गोपालगंज बिहार राज्य के 38 जिलों में शामिल एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। गोपालगंज जिले की स्थापना 1963 में हुई थी। इससे पहले यह सारण जिले का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। यह जिला अपने भोजपुरी भाषा व ईंख उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रचलित रहा है। गोपालगंज जिला सारण मंडल के अंतर्गत आता है और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय गोपालगंज शहर में स्थित है। जिले की स्थिति की बात करें तो गोपालगंज जिला बिहार राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में गंडक नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। वहीं गोपालगंज शहर बिहार की राजधानी पटना से 143 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल पूर्वी चंपारण जिला, मुजफ्फरपुर जिला, सिवान जिला, पश्चिमी चंपारण जिला, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य का कुशीनगर जिला है। 2033 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले गोपालगंज जिले की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 25,62,000 थी, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 12,67,000 तथा महिलाओं की जनसंख्या 12,94,000 थी। वहीं जाति धर्म के अनुसार गोपालगंज जिले में 82.72% हिंदू, 17% मुसलमान और 0.28% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शिक्षा के मामले में गोपालगंज जिले की कुल साक्षरता दर 66% है। कमला राय महाविद्यालय, गोपेश्वर महाविद्यालय, महेंद्र महिला विद्यालय जैसे अन्य कई शिक्षण संस्थान गोपालगंज जिले में मौजूद हैं। जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, धान, ईख व मूंगफली हैं, जो उच्चतम स्तर पर उगाई जाती हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से गोपालगंज जिले में कुल 14 तहसील मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, मांझा, थावे, सिद्धवलिया, भोरे, हथुआ, कटेया, पंचदेवरी, फुलवरिया, उचका गांव और विजयीपुर हैं। जिले में 14 ब्लॉक, 22 पुलिस स्टेशन और कुल गांवों की संख्या 1539 है। आवागमन के दृष्टिकोण से गोपालगंज जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग गोपालगंज जिले का सबसे करीबी व बड़ा रेलवे स्टेशन व सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड SV है। यह रेलवे स्टेशन सिवान छपरा लाइन, सिवान गोरखपुर लाइन पर स्थित है। इस स्टेशन के माध्यम से होकर कई प्रमुख एक्सप्रेस रेलगाड़ियां गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों को जाती हैं। सड़क मार्ग गोपालगंज जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 28 गुजरती है, जो आगे चलकर सिवान, मुजफ्फरपुर और बरौनी जैसे शहरों से जोड़ती है। इसके अलावा जिले में कई छोटे बड़े बाईपास मौजूद हैं। दोस्तों, गोपालगंज जिला अपने ऐतिहासिक खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आइए दोस्तों, इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं, जिनके बिना गोपालगंज जिले का भ्रमण अधूरा है। थावे दुर्गा मंदिर गोपालगंज में थावे स्थित हथुआ राजा द्वारा बनवाया गया दुर्गा मंदिर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल पर चैत्र महीने में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। हथुआ राज महल गोपालगंज हथुआ राज महल गोपालगंज में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह एक सुंदर महल है। यह महल गोपालगंज में हथुआ में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ही सुंदर किला देखने को मिलता है। यदि दोस्तों आप गोपालगंज जिले को आ रहे हैं तो इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर एक बार घूमने के लिए जरूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।